दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप भी इंडियन रेलवे में यात्रा करते हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कभी ना कभी आपके साथ भी यह प्रॉब्लम आए। तब दोस्तों अगर आपको यह बात पता होगा तब दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को लड़ने में सक्षम होंगे। तो दरअसल बात यह है कि आप किसी न किसी स्टेशन से तो ट्रेन टिकट बुक किए होंगे, लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर आप उस दिन उस स्टेशन से सफ़र नहीं करेंगे, मतलब जिस स्टेशन से आपने टिकट बुक किया है उस स्टेशन से आप वहाँ पर उस ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे, बल्कि ट्रेन खुलने के 50 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन है, आप उस स्टेशन से चढ़ेंगे और आप उस स्टेशन से यात्रा करेंगे। तब दोस्तों क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने ट्रेन बुक किया है कहीं और से और उसके 50 किलोमीटर बाद एक स्टेशन है तो मैं उस स्टेशन में उस ट्रेन से सफर करूंगा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? या फिर दोस्तों अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो क्या अब आपका वो सीट मिल सकता है? और अगर आपको वह सीट मिल सकता है तो क्या आपसे टीटी फाइन चार्ज भी करेगा, कुछ पैसे भी लेगा टीटी? या फिर दोस्तों वो सीट अब आपका रहा ही नहीं, किसी और को दे देंगे टीटी? तो दोस्तों ये सारी बात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आप किसी न किसी स्टेशन से अगर टिकट बुक किए हैं तब दोस्तों आप उसके बाद वाले स्टेशन से या फिर उसके बाद वाला भी स्टेशन से, मतलब दोस्तों ट्रेन जहां से खुलती है और जहां जहां स्टेशन पड़ता है उस ट्रेन का, तब दोस्तों वो आप किसी भी स्टेशन से यात्रा बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें दोस्तों कोई रोक ठोक वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आप ऐसा कब कर सकते हैं? दोस्तों इंडियन रेलवे में ट्रेन खुलने से 4 घंटा पहले अगर आप ऑनलाइन में टिकट बुक किए हैं तब दोस्तों बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन होता है। दोस्तों अगर आप वो बोर्डिंग स्टेशन चेंज करेंगे कि अच्छा मैंने तो टिकट बुक किया है यहां से लेकिन मैं 100 किलोमीटर के बाद इस स्टेशन से सफर करूंगा, तब दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक किया है और अगर आप वो बोर्डिंग स्टेशन चेंज करते हैं कि मैं इस स्टेशन से यात्रा करने वाला हूं ना कि जहां से मैंने ट्रेन टिकट बुक किया है, तब दोस्तों आप आसानी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन दोस्तों ये बात तो छोड़िए, मैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं, मेन बात यही है क्या होगा अगर आप जिस स्टेशन से टिकट बुक किए हों उस स्टेशन से ना सफर करके उसके अगले या फिर अगले किसी भी स्टेशन से सफर करना चाहते हों लेकिन आप यहाँ पर अब बोरिंग स्टेशन चेंज नहीं किए हों ऑनलाइन, तब दोस्तों आपके साथ क्या होने वाला है? मतलब दोस्तों मान के चलिए कि मैंने बुक किया है ट्रेन एक पटना जंक्शन से, ओके, और मैंने बोर्डिंग स्टेशन कुछ भी नहीं चेंज किया है, मैंने ऑनलाइन ही टिकट बुक किया है कहाँ से, पटना जंक्शन से, और मैं ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं किया हूं, अब मैं सफ़र करने वाला हूं 49 किलोमीटर बाद एक आरा जंक्शन है, अब मैं आरा जंक्शन से सफ़र करने वाला हूं, तो क्या मैं अब आरा जंक्शन से सफ़र कर सकता हूं? अगर आप जिस स्टेशन से टिकट बुक किए हैं और उस स्टेशन से नहीं सफ़र करना चाहते हैं बल्कि उसके अगले या फिर अगले किसी भी स्टेशन से सफ़र करना चाहते हैं और अगर आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं करवाएं, तब दोस्तों इसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन नियम हैं जो कि आपको पालन करना होगा, तभी दोस्तों आप सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों वो नियम के आगे जाने पर आपसे पेनालिटी चार्ज या फिर दोस्तों आपसे कुछ चार्ज लिया जा सकता है, या फिर दोस्तों आपको टिकट को वहां पर कैंसिल भी किया जा सकता है, या फिर दोस्तों वो टिकट किसी और को दे दिया जा सकता है। तब दोस्तों क्या क्या नियम है? दोस्तों अगर आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं किए हैं तब दोस्तों ये इनका यह नियम है कि जहां से आपने टिकट बुक किया है वहां से लेकर के 100 किलोमीटर अगले तक अगर कोई स्टेशन है तब दोस्तों वहां से आप सफ़र कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैं यह भी कह सकता हूं कि आप जिस भी स्टेशन से टिकट बुक किए हैं उस स्टेशन से 100 किलोमीटर के अंदर या फिर 1-2 घंटे के अंदर आप अपना सीट पर बैठ जाएं, वहां तक आपका टीटी इंतज़ार करेगा कि अच्छा ये पैसेंजर अभी तक नहीं आया है और इन्होंने इस जंक्शन से टिकट बुक किया है, इसके अगले 100 किलोमीटर तक टीटी इंतज़ार करेगा आपका। अगर उन 100 किलोमीटर के अंदर आप अपने सीट पर बैठ जाते हैं, आप अपना सीट ग्रहण कर लेते हैं, तब दोस्तों आपको टीटी यहां पर कुछ नहीं बोलने वाला है, आपका दोस्तों यहां पर कोई फाइन चार्ज नहीं लगेगा। अगर दोस्तों 2 घंटा के बाद आप अपना सीट पर बैठ रहे हैं और अगर टीटी को नजर पड़ा कि अगर ये बंदा अभी तक नहीं आया है, ये रेल यात्री अभी तक नहीं आए हैं, तब दोस्तों ऐसे में हो सकता है आपका टिकट कैंसिल या फिर दोस्तों आपका सीट किसी और को दे दिया जा सकता है। दोस्तों आपको टीटी कम से कम दोस्तों 100 किलोमीटर अगला स्टेशन तक वेट करेगा जहां से आपने टिकट बुक किया है, या फिर दोस्तों 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपको टीटी जो है इंतज़ार करेगा। दोस्तों अगर 2 घंटा के अंदर में आप अपना सीट ग्रहण नहीं करते हैं तब दोस्तों आपका सीट किसी और पैसेंजर को दिया जा सकता है। यही दोस्तों कुछ रूल्स थे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप जिस स्टेशन से टिकट बुक किए हैं उस स्टेशन से अगले 4 घंटे बाद आप वो सीट पाए हैं, या फिर दोस्तों 100 किलोमीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है 150-200 किलोमीटर के बाद आप अपना सीट ग्रहण कर रहे हों, तब दोस्तों ऐसे में वो जो आपका सीट है वो दोस्तों किसी और रेल यात्रियों को दिया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अच्छा मान के चलिए कि अगर हम 100 किलोमीटर क्रॉस कर लिए, मतलब 200 किलोमीटर के बाद हम सफ़र करना चाहते हैं बिना बोर्डिंग स्टेशन बदले, तो क्या अब हम ऐसा कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों किसी मजबूरन वर्ष आपको करना पड़ रहा है तब दोस्तों ऐसे में आपको सीट हो सकता है कि सीट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब बात आता है कि क्या टीटी हमसे पेनल्टी चार्ज भी लेगा? तब दोस्तों देखिए आपका तो टिकट कन्फर्म है लेकिन आप जिस स्टेशन से टिकट बुक किए हैं उस स्टेशन से तो चढ़े नहीं हैं, उसके 200 किलोमीटर अगले स्टेशन से चढ़े हैं, तब दोस्तों आपको टीटी यहां पर पेनल्टी चार्ज नहीं ले सकता है।
चूँकि दोस्तों आपका टिकट कन्फर्म है, आप भले ही वो सीट पर ना बैठ सकते हो लेकिन दोस्तों आप उस ट्रेन में तो जा ही सकते हो। और अगर उसके बाद भी टीटी आपसे पेनल्टी चार्ज करता है तब दोस्तों आप टीटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कन्वेंस कर सकते हैं कि मेरे को याद नहीं रहा बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के लिए या फिर टाइम ओवर हो चुका था और मैंने जो है उस स्टेशन से नहीं बैठा है, तो कृपया मेरा टिकट देख सकते हैं, कन्फर्म है, मुझे सिर्फ जाने दें। तब दोस्तों हो सकता है कि टीटी आपसे चार्ज ना ले। तो दोस्तों यही थे रेलवे के कुछ नियम जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होगा तब दोस्तों इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों दी गई जानकारी बहुत अच्छा लगा है तब दोस्तों एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको यह पसंद आएगा तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।